बिग बॉस के घर में आज सिद्धार्थ शुक्ला को रश्मि जो है कटघरे में खड़ा करती नजर आई। कटघरे में खड़े होते ही सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर संगीन आरोप लगने लगे। आपको बता दें कि घर के अंदर चुगली करने वाला, पीठ पीछे बातें बोलने वाला, एरोगेंट, एग्रेसिव, हर तरीके के आरोप सिद्धार्थ शुक्ला पर लगे। लेकिन इन सभी आरोपों को जस्टिफाई कोई नहीं कर पाया। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसे काउंटर्स दिए और बताया और अपनी सच्चाई रखी, जिस वजह से सलमान खान भी उनकी बातों पर एग्री करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कई बातें ऐसी थी जो कि बेबुनियाद नजर आई, जो कि हुई कुछ और थी और बताई कुछ और गई। इनके अंदर से रश्मि जो है वो कई बातों को मैनिपुलेट करती हुई नजर आई, जहां रश्मि के साथ जो पूरी कन्वर्सेशन हुई थी उसे पूरी तरीके से गलत बताया गया। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला भी पूरी तरीके से सही नहीं थे, लेकिन रश्मि जिस तरीके से बातों को मोल्ड कर रही थी वो भी बिल्कुल गलत था। इस बात में सलमान खान पूरी तरीके से तो नहीं, पर सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट करते हुए नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट उन्होंने इस तरीके से किया कि जो उन्होंने बातें नहीं कही थी वो सबके सामने जाहिर करी गई कि ये बातें सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी के बारे में गलत नहीं कही, और घर के अंदर वो कभी किसी के पीछे पीठ पीछे बात करते हुए नहीं देखे जाते, ना ही चुगली करते देखे जाते हैं। इस बात को कन्फर्मेशन दी पारस को, जो वीडियो कॉल आया उसने, पारस को वीडियो कॉल आया था एक कॉलर ऑफ द वीक का, जिसने पारस की तो क्लास लगाई, लेकिन उन्होंने कन्फर्मेशन दी कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, और इस बात को पारस ने माना और ग्रेसफुली कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ सलमान खान इस बात को लेकर उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आए। तो सिद्धार्थ शुक्ला का बात करने का तरीका जो था वो पूरे हफ्ते में इस बार काफ़ी अलग था। जहाँ वो एग्रेसिवली बात करते नज़र आते थे, वहीं यहाँ पर उन्होंने बहुत सही तरीके से बात की। दोस्तों, आपको सिद्धार्थ शुक्ला के बात करने का तरीका और उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका कैसा लगता है, और घर में सबसे सही और पॉजिटिव इंसान कौन लगता है, मैं ये भी कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।